दोस्तों, अगर आपके शरीर में जगह जगह दर्द, झनझनाहट, सूनापन रहता है और आपको ऐसा लगता है जैसे सारे शरीर की नसें ही कमजोर हो गई हैं, हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, क्या करें, इनकी कोई दवा नहीं है, अब जिंदगी भर ऐसे ही दुख झेलना पड़ेगा, ये दर्द तो अब जिंदगी के साथ ही जाएंगे, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका उपाय पॉसिबल है, एकदम अचूक उपाय है और आपकी रसोई में ही रखा हुआ है। आपको इसके लिए कहीं बाहर भटकना नहीं है, बस इनका इस्तेमाल करने की देर है। ये आपकी नसों नाड़ियों में ऐसी गजब की ताकत भर देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे और जीवन में फिर से खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हर कोई तरह तरह की दवाइयां लेता है, लेकिन फिर भी नसों की कमजोरी जल्दी से ठीक नहीं होती है। नसों की कमजोरी को तुरंत ठीक करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका है। नसों के जो भी रोग होते हैं ना, उसके लिए दोस्तों ये भी रामबाण है। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आप एक गिलास गुनगुना पानी ले लें। गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, बहुत तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए और ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना सा पानी होना चाहिए। एक ग्लास में आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर की ऐड करें और ऊपर से आप इसके अंदर डालें गुनगुना पानी। ग्लास आपको पूरा भर के लेना है। अब आप इसका टाइम जान लीजिए कि आपको ये किस टाइम लेना होगा। तो आप इसको सुबह नाश्ता करने के बाद में एक ग्लास गुनगुने पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर पी सकते हैं। शाम को आपको लेना है तो जब आप सोने के लिए जा रहे हैं ना, उसके 1 घंटा पहले आप इसकी 2 चम्मच डालकर 1 गिलास पानी में ले लें। पीते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पानी को अपने दांतों पे ना लगने दें। आपके पास अगर स्ट्रॉ वगैरह है ना, तो उसी से पिए दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये खट्टा बहुत होता है तो दांत आपके खट्टे हो सकते हैं। जिनको ज्वाइंट पेन या फिर गठिया वाले पेशेंट है ना, उनको नहीं लेना है, बाकी सभी इसे ले सकते हैं। आपको नसों की कमजोरी दूर करने के लिए एक काम तो ये करना है कि आपको सरसों का ऑयल लेना है 1-2 चम्मच, और जहां भी आपको ये नसों की कमजोरी की दिक्कत हो रही है उस जगह पे आप सरसों के ऑयल से बिल्कुल हल्के हाथों से, ज्यादा जोर लगाए बिना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है। इस तरह इसको यूज करने से आपकी नसों की कमजोरी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नसों में कमजोरी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उनके लिए बादाम बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बादाम में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नसों नाड़ियों में ताकत भर देते हैं, दिमाग की नसों को मजबूत बनाते हैं, नसों में होने वाले खिंचाव व तनाव को दूर कर देते हैं, नपुंसकता को दूर कर देते हैं। आंखों के लिए तो आप जानते ही हैं कि बादाम बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए जिनको नसों की कमजोरी जल्दी ठीक नहीं होती है, उनको बादाम कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने टोटल 3 चीजें ली हैं, बादाम, सौंफ और मिश्री। इस नुस्खे को बनाने के लिए इन तीनों चीजों की जो मात्रा है ना, सेम रहेगी। अगर आप 100-100 ग्राम के साथ में बना रहे हो तो तीनों चीजें आपको 100-100 ग्राम लेनी है। पहले आप कम बनाकर ट्राई करना चाहें तो आपको कम ले लेनी है, लेकिन एक जैसा वजन इनका होना चाहिए। अब आप इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस सकते हो दोस्तों, लेकिन इसमें ज्यादा फायदा लेने के लिए अगर आपके पास इसको कूटने की व्यवस्था है ना, तो जैसे एक इमाम दस्ता आता है लोहे का, या फिर आपके पास इस तरह की मसाला बनाने वाली कुंडी हो, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, आप जो भी रेमेडी नुस्खा बना करके लेते हैं ना, उसके जितने भी पोषक तत्व रहते हैं ना, वो इनमें मौजूद रहते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, तो जो ग्राइंडर जार होता है आपका मिक्सर का, उसमें डालकर पीस सकते हैं। लेकिन सभी चीजों को एक साथ डालकर ना पीसे, आप इनका अलग अलग पाउडर बनाए, क्योंकि जैसे सौंफ है, मिश्री है, इनको आप अलग से पीसे और बादाम को आप अलग से पीसे। ऐसा करने से क्या होगा, जो बादाम का ऑयल होता है ना, वो नहीं निकलेगा दोस्तों। नहीं तो क्या होता है ना, ये चिपचिपी हो जाएगी और रखे रखे इसमें स्मेल हो सकती है। तो अलग अलग पीस कर ही इनको मिलाएं, तो इनका जो पाउडर बनेगा वो सूखा सूखा बनेगा, तो वो लंबे समय तक भी आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिश्री भी डाल ली है इसके अंदर। इसमें हम धागा चेक कर रहे हैं, इसको हमने तोड़ा था क्योंकि इसके अंदर धागे होते हैं ना, उनको निकालना होता है। तो यहाँ पर इसका भी हम बारीक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप कूटने लगेंगे ना तो आपको 15-20 मिनट सभी चीजों में लग जाएंगे, और मिक्सचर में तो ये आपका 1 मिनट का काम है, लेकिन इससे आपको फायदे ज्यादा मिलते हैं। अगर आपके पास इनको कूटने के लिए इस तरह की ओखली है ना, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप। और इनको हम कूट कूट कर एक अलग बर्तन में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको हमने कूट लिया है।
अब इसमें बादाम डाल लेते हैं। बादाम को भी हम अलग से इसी तरीके से कूट लेंगे। ध्यान रहे हमें यहाँ पर सभी चीजों का बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखेंगे और उसी के साथ में इसको तैयार करेंगे। तो बादाम जो है वो ज्यादा बारीक करेंगे ना तो ये अपना जितना भी ऑयल होता है उसको रिलीज कर देगा, इसलिए इसको हल्का सा दरदरा ही रखें। तो यहाँ पर हमने तीनों चीजों को कूट पीस लिया है। अब इसको आगे कैसे करना है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेते हैं इनको एक ही प्याले में। प्याले में डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस रेमेडी को आपको करना क्या है, जैसे आपने 100-100 ग्राम के साथ में एक बार बना लिया उसको पहले फिनिश करें फिर दोबारा बनाएं। इस तरीके से रेमेडी को आप कम से कम 8 सप्ताह तक यूज करके देखना, इससे आपकी नसों की कमजोरी की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये जो पाउडर है इसको बनाने के बाद में हमें भर लेना है जार के अंदर। तो जार आपका बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। उसमें भरने के बाद में आपको इसका सेवन कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 1 ग्लास गाय का दूध अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो फिर आप ले सकते हैं भैंस का दूध। भैंस के दूध की आप मलाई हटा दें फिर आप इस्तेमाल कर लें उसको। और इस मिश्रण की 1 चम्मच आपको फुल भर के लेनी है ऊपर तक। आप चाहें पहले इस मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से चबाएं, एकदम बारीक आपको चबाना है। अगर चबा नहीं सकते हैं तो आप इस तरीके से दूध में डालकर भी इसे खा सकते हैं। दूध में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको खाएं। इसे सभी को दे सकते हो, लेडीज को, जेंट्स को, जिसको भी ये समस्या हो ना, लेकिन आप इसे लगातार अपनाना कम से कम 8 हफ्ते तक। और आपको ये दूध के साथ 2 टाइम लेना होगा दोस्तों, सुबह और शाम को 1-1 चम्मच भरकर। तो अब आप भी अपनी नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को यूज कीजिए और फिर देखिए आपकी नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम कैसे मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे जयपुर दापिंग श्री चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।